हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, त्यौहार का सीज़न आ गया है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल शकरपारे की रेसिपी, जिन्हें कई जगह खुरमे भी कहा जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कप ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया है, यानी कि मैदा, और उसमें हम डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। हमें करना क्या है कि हमें ऑयल को और मैदा को बहुत ही अच्छे से हाथों से इस तरह से मिला लेना है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसे हम मोयन लगाना कहते हैं। मोयन आपका लग जाता है, इसका मतलब खुरमी, शकरपारे या नमक पारे जो भी हम बना रहे हैं वो बहुत खस्ता बनने वाले हैं, तो मोयन लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए, इसको हम मोयन लगाना कहते हैं, ये हाथों में इस तरह से बंधने लगता है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और डो बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही थोड़ा सा पानी डालिएगा दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आटा हमें थोड़ा सा टाइट ही गूँथना है। तो इस तरह से आप डो बनाकर तैयार कर लीजिए। बहुत ही थोड़ा सा पानी हमने डाला था, उतने में ही हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। टाइट हाथों से आप बहुत ही अच्छे से मसल लीजिए और लगभग 15 मिनट के लिए डो को छोड़ दीजिए रेस्ट पर, अच्छे से ढककर रख दीजिए। इसी तरह से डो को रखे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि फिर से एक बार आपको टाइट हाथों से अच्छे से मसल लेना है और लोइयां बना लेना है। क्योंकि डो हमारा कम है इसलिए दो ही लोइयां बनेंगी। अगर आप ज़्यादा शकरपारे बनाना चाहते हैं तो आप मैदा की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने लोई बना ली है। अब आपको बेलना शुरू करना है और बेल कर रोटी बना लेनी है। तो ये देखिए, रोटी के साइज़ का हमने इसको बेल लिया है। अब आपको क्या है कि जो आड़े टेढ़े किनारे हैं इनको नाइफ़ से इस तरह से निकाल लेना है, पर हमें इन्हें वेस्ट नहीं करना है, इनको भी हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से किनारे मैंने निकाल लिए हैं। अब आप इनको शेप दे सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं, छोटे बड़े, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, अपने पसंदीदा शेप में आप इनको इस तरह से काट लीजिए। मैं छोटे छोटे स्क्वायर शेप में इनको काट रही हूँ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, जब हमने रोटियों को बेलना शुरू किया था तभी हमने कढ़ाई को भी गैस पर चढ़ा दिया था। तेल भी हमारा बढ़िया सा गर्म हो चुका है और तेल में आप डाल दीजिए शकरपारे जो कि हमने बनाकर तैयार किए हैं। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन्हें स्लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। पहले आप तेज़ फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए। बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने तक ही हमें इन्हें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे हल्के हल्के से ब्राउन होने लगे हैं, इतना ही हमें इन्हें फ्राई करना है और कढ़ाई में इसे निकाल लेना है। इसी तरह से आप सभी शकरपारे बनाकर तैयार कर लीजिए। तो चलिए चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। 1 कप से थोड़ी सी कम शक्कर मैंने इसमें डाली है, लगभग 1/2 कप पानी डाल दिया है। शक्कर को आप पानी के साथ बहुत ही अच्छे से मिला दीजिए। गैस की फ्लेम को आप मीडियम भी रख सकते हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्टिकी नहीं हो जाती। करीब करीब 10 मिनट लगेंगे और आपकी जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से तार बनने लगे हैं, बिल्कुल चिपचिपी हो गई है चाशनी हमारी। इसी स्टेज तक हमें चाशनी को पकाना है। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमने शक्करपारे बनाकर तैयार किए हैं उन सभी को इसी में डाल देना है। गैस की फ्लेम को आपको स्लो ही रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इन्हें मिलाना है जिससे कि ये बिल्कुल टूटे ना, और चाशनी को बहुत ही अच्छे से कोट कर देना है जिससे चाशनी जो है वो नीचे ना रह जाए। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, शकरपारे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग आई है शक्कर की। तो आप लोग भी झट से बना लीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।